अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बखैर हूँ, उम्मीद है आप भी बखैर होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर में, यानी इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी प्रोफाइल पिक्चर को जो है कैसे आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप अपने यूज़र नेम को, इंस्टाग्राम आईडी को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने बायो के अंदर में आप कैसे आप अपना बायो लिख सकते हैं और उसके अंदर में किसी और इंस्टाग्राम हैंडल को आप इंक्लूड कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपना, अगर आपके पास में कोई वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसको यहाँ पे आकर के उस लिंक को कैसे पेस्ट कर सकते हैं, यानी उस लिंक को कैसे आप यहाँ पर मैंशन करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं करना है, मीन्स एक भी स्टेप जो है मिस नहीं करना है। मैं हूं अब्दुलरहमान जी और आपका वेलकम करता हूं अब्दुलरहमान जी यूट्यूब चैनल पे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लॉगिन हो जाना है इंस्टाग्राम पे। मैं क्या करता हूं, इंस्टाग्राम पे जो है लॉगिन हो जाता हूं। मुझे कुछ इस तरीके का नज़र आएगा इंस्टाग्राम, मैंने सिंपली ओपन किया। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद में सिंपली आप यहां पे लॉगिन कर लेना है आपको। अगर इस तरीके से ऑप्शन आता है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, नन ऑफ द अबव करूँगा। नीचे साइड में यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, नीचे साइड में देखिए एकदम आपको लॉगिन नज़र आएगा। सिंपली आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे जो है ईमेल आईडी पूछेंगे, और आपसे मतलब आपका यूज़र नेम या फिर ईमेल आईडी, और उसके बाद में पासवर्ड। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी जो है वो इंटर कर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ईमेल आईडी जो है यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे में आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, पासवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है वो इंटर कर देना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और सिंपली इसमें लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपका अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये पूछ रहा है पासवर्ड सेव करने के लिए, तो आप चाहे तो पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, तो मैं पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या है, आपको एक नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा प्रोफाइल पिक का, यानी यहाँ पे बता रहा हूँ होल्ड टू ऐड और स्विच अकाउंट्स। यहाँ पे होल्ड करके आप अकाउंट जो है स्विच कर सकते हैं, यानी दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हो, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हम दूसरा अकाउंट अभी ऐड नहीं करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो आपको प्रोफाइल नज़र आ रहा है, सिंपली आप प्रोफाइल के जो पिक है, प्रोफाइल का पिक, यहाँ पे आपका फ़ोटो नज़र आ सकता है, या फिर यहाँ पे सादा सिंपल एक ह्यूमन का जो आर्ट होता है वो नज़र आपको आ सकता है। सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। इसके ऊपर में क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा एडिट प्रोफाइल। सिंपली आप एडिट प्रोफाइल पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पूछेगा पहला चेंज प्रोफाइल फ़ोटो। तो आप प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो यस, मुझे प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो चेंज करना है। सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे चेंज प्रोफाइल फ़ोटो पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे न्यू प्रोफाइल फ़ोटो पे बल्कि क्लिक करना है आपको। आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा न्यू प्रोफाइल फ़ोटो या फिर इम्पोर्ट फ्रॉम फेसबुक। तो आप फेसबुक पर भी अगर आपके फ़ोटोज़ हैं तो आप वहाँ से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा न्यू प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करूँगा। तो आपको भी न्यू प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर अलाउ के लिए पूछेगा तो सिंपली आप अलाउ कर दीजिए, तभी आप एक्सेस कर पाइएगा। तो यहाँ से आप वो फ़ोटो जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा फ़ोटो आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख लूँगा कौन सा फ़ोटो मुझे चाहिए, तो मैं ये वाला फ़ोटो जो है चूज़ कर लेता हूँ। और इसको आप ऊपर नीचे करके इस तरीके से आप इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं कि जितना आपको लगाना है उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो मुझे ये चाहिए, तो ये इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर जो एरो का सिंबल नज़र आ रहा है, सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आ जाएगा कई सारे फ़िल्टर्स। तो आप इसमें चाहे तो फ़िल्टर्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे चूज़ करूँ मून वाला, तो मून वाला के जो मतलब मून का जो फ़िल्टर होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट लगाना तो मैं सिंपली बहुत ज़्यादा आगे जाऊँगा। यहाँ पर इंक वेल है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर इसके जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको चूज़ कर सकता हूँ मून, या फिर मैं नॉर्मली रहने देता हूँ जो मेरा है, मैंने इसको रहने दिया, जो नॉर्मल है मेरा मैं वही रहने देता हूँ। आप चाहते हैं यहाँ से एडिट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे मतलब ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह, जो भी चीज़ आप बढ़ाना चाहें आप इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जो भी लो करना चाहे लो कर सकते हैं। डन पे क्लिक कीजिए, एडिट हो जाएगा, है ना। एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर सकते हैं इसको, जहाँ जैसे एडजस्ट करना हो इस तरीके से, जहाँ पर भी एडजस्ट करना हो, तो यानी इस तरीके से आप इसको बढ़िया से बना सकते हैं जैसे आप बनाना चाहें। इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस जितना रखना चाहे उतना आप रख सकते हैं इसको, मतलब जिस हिसाब से चाहे उस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ करके यहाँ से, और इसको बेहतर बना करके आप यहाँ से इसको प्रोफाइल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं।
यहाँ पे क्या है ना, बाय इंस्टाग्राम जो है आपको बहुत सारे फोटो एडिटर जो है आपको दे देता है, यहाँ पे ही आप चाहे तो आप अपना फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे लगता है कि हाँ आपको कुछ हाईलाइट करना है, मतलब है ना कौन सा पार्ट हाईलाइट करना, क्या चीज़ें हो, तो जो भी चीज़ें हो आप इसको देख करके यहाँ से आप अपना फोटो जो है कस्टमाइज़ कर लीजिए। कस्टमाइज़ करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है कस्टमाइज़ करने के बाद में, फोटो एडिट करने के बाद में, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक कीजिए, मीन्स एरो पे क्लिक कीजिए। एरो पे क्लिक करने के बाद में वो जो फोटो है वो अपलोड होगा, कुछ इस तरीके से लोड होगा। लोड होने के बाद में यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे फोटो नज़र नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे फोटो जो है नज़र आने लगा। और मैं फिर से क्या करूँगा, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आने के बाद में देख लीजिए यहाँ पर मुझे जो है फोटो नज़र आने लगा, यानी ये जी देखिए आपको फोटो जो है नज़र आने लगा, पहले नज़र नहीं आ रहा था। अब अगर आपको नेम चेंज करना तो आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे चाहे तो आप अपना वेबसाइट जो है वहाँ पे इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना बायो डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली मैं क्या करता हूँ, नेम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपना जो भी नेम देना चाहते हैं वो आप नेम यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका जो नेम है वो यू कैन ओनली चेंज योर नेम ट्वाइस विद इन 14 डेज, 14 दिन के बाद में ही आप इसको नेम को जो है चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रहे। तो इसमें आप सोच समझ के इसको एडिट कीजिएगा कि आपको 14 डेज के मतलब 14 दिन के अंदर में एक बार आप इस फोटो को जो है एडिट कर सकते हैं, मीन्स यूज़र नेम जो है आप एडिट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम आप जब चाहे जितना चाहे उतना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा यूज़र नेम अवेलेबल है। अवेलेबल होने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली इसको ऊपर में क्लिक करके, मीन्स सही के निशान पर क्लिक करके आपको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। लेकिन अब्दुलरहमान जी अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर बता रहा था यूज़र नेम अब्दुलरहमान जी इज़ नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्राई कर लीजिए कि कौन सा यूज़र नेम अवेलेबल है, और सिंपली आप क्या कीजिए, इस सही के निशान पर क्लिक करके आप इसके अंदर में मीन्स यूज़र नेम जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा चाहिए। वेबसाइट के अंदर मैं वेबसाइट जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना वेबसाइट जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक वेबसाइट है, मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं वेबसाइट जो है वो मैं सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और मैं वेबसाइट जो है वहाँ पर इंटर कर दूँगा। यहाँ पर अलाउ के लिए पूछ रहा है, अगर सर्च कुछ आप करना भी चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा, तो यहाँ पर वो अलाउ के लिए पूछेगा पहले। तो अब्दुलरहमान जी ऑफिशियल, यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो लिंक है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, लाइक मुझे ये लिंक चाहिए, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको जो है कॉपी लिंक पे क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने बायो के अंदर में एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, वेबसाइट में जाना है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। बायो के अंदर में आप डिफाइन कर सकते हैं जो भी आप डिफाइन करना चाहें, मीन्स आप अपने बारे में जो भी लिखना चाहें, डिफरेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उसके बाद में आप यहाँ पे अगर कुछ मेंशन, किसी कोई और आईडी आपके पास में उसको मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे दूँ ऐट, इस्तेमाल करना ऐट द रेट, और उसके बाद में जो भी आप यूज़र नेम यहाँ पे टाइप कीजिएगा वो यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे आने लगेगा। अब्दुलरहमान जो ऑफिशियल, मैंने इसको ले लिया, और इसको सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो है क्लिक करके आप सिंपली इसको सेव कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। तो अभी चलिए मैं आपको प्रोफाइल जो है दिखा देता हूँ एक बार। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन कर दिया अब्दुलरहमान जी ऑफिशियल को, तो अब्दुलरहमान जी ऑफिशियल जैसे उसके ऊपर मैं कोई क्लिक करेगा तो मेरे इस प्रोफाइल पर आ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करा तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने इस लिंक को ओपन करके नहीं देखा है तो इस लिंक को ओपन करके यहाँ पे आप हर जगह पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ओके, तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से प्रोफाइल फोटो जो है वो चेंज कर सकते हैं, नेम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसके अंदर में आप अपने बायो के अंदर में मेंशन कर सकते हैं किसी और इंस्टाग्राम आईडी को, आप अपने फ्रेंड का या फिर आप अपने खुद का अगर कोई और आईडी है तो, और उसके बाद में आप कैसे वेबसाइट जो है आप अपना इसके अंदर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उम्मीद है, आई होप कि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको क्या इशू आ रहा है, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा और बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आइए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और आप मुझे DM कीजिए, कौन से आईडी पे, तो अब्दुलरहमान जी ऑफिशियल आईडी पे, यहाँ पर आकर के आप मुझे DM कीजिए, फॉलो कीजिए, उसके बाद में मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा और ज़रूर आपके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करूँगा, वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। इसी तरीके से देखते रहिए अब्दुलरहमान जी यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को, और जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।